और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सहारनपुर में देवबंद से गिरफ्तार आतंकियों की पेशी हुई है। बड़ी खबर आपको सहारनपुर से बता रहे हैं, और जैश के आतंकियों की स्थानीय कोर्ट में पेशी हुई है। डीएस ने दोनों आतंकियों को 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर लिया है और जांच एजेंसी दोनों को नोएडा लेकर रवाना हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एटीएस और एनआईए एजेंसियां आतंकियों से पूछताछ करेंगी और जांच एजेंसियां दोनों को लेकर नोएडा के लिए रवाना हुई। एटीएस और एनआईए और साथ ही केंद्रीय एजेंसियां आतंकियों से पूछताछ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि दोनों की स्थानीय कोर्ट में पेशी हुई है, देवबंद से गिरफ्तार आतंकियों की पेशी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको सहारनपुर से बता रहे हैं, जहां पर जैश के आतंकियों की स्थानीय कोर्ट में पेशी हुई और एटीएस ने दोनों आतंकियों को 72 घंटे के ट्रांजिट रिमांड पर लिया है और दोनों को लेकर जांच एजेंसी नोएडा के लिए रवाना हुई। बड़ी खबर आपको सहारनपुर से बता रहे हैं, जहां पर एटीएस, एनआईए और केंद्रीय एजेंसी आतंकियों से पूछताछ करेंगी। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लालचंद लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। लालचंद जी, पूछना चाहूंगी कि दोनों ही आतंकियों के स्थानीय कोर्ट में पेशी हुई है, बताया जा रहा है कि उनको जांच एजेंसियां नोएडा के लिए लेकर रवाना भी हो गई हैं, आपके पास क्या कुछ अहम जानकारी? जी बिल्कुल, बता दूं जिस तरीके से देवबंद सहारनपुर से जिस तरीके से दो आतंकी शहनवाज और आकिब को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद लगातार जो है उनसे पूछताछ चल रही है, वहीं उनको कल स्थानीय कोर्ट में पेश किया गया है। पेश करने के बाद में उनको 72 घंटे की रनिजर रिमांड पर लिया गया है। वहीं नोएडा में इनसे पूछताछ की जाए, वहीं एनआईए के साथ साथ जो है एटीएस जो है उनसे पूछताछ करती है। कई केंद्रीय जांच एजेंसियाँ वो उनसे पूछताछ कर सकती हैं। वहीं उनको भी इसके बाद फिर उनको लखनऊ लाया जाएगा, आज ही लखनऊ लाया जाएगा, बताया जा रहा है कि जिसके बाद उनको 10 दिन की रिमांड पे लिया जाएगा और उनसे पूछताछ भी करी जाएगी। और एनआईए की टीम भी लखनऊ पहुंच सकती है और उनसे पूछताछ करेगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से नहीं शहनवाज और आकिब की गिरफ्तारी हुई है यूपी एटीएस को, तो बड़ी सफलता मिली है। तो जाहिर सी बात है, इस बात को लेकर लगातार जो है पूछताछ जो है एजेंसियां चल रही है। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से इनके पास से खुलासा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से कल डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ जाहिर कर दिया है कि जिस तरीके से जो शहनवाज है जो लोगों का ब्रेन वास करता था और जो आकिब है वो लोगों को जोड़ने का काम कर रहा था, जो इन लोगों का जो जैसे मोहम्मद आतंकी संगठन उसमें जोड़ने का काम इन लोगों कर रहे थे। और ये भी साफ हो चुका है कि कोई ऐसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे कि जिसको लेकर ये लगातार जिस तरीके से यूपी एटीएस की जो पूछताछ में जानकारी निकल के आई है। जी, घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।